नमस्कार दोस्तों, देखा जाए प्रभास की मूवी सलार को रिलीज़ हुए 25 दिन हो चुके हैं और ऐसे में इस मूवी का जो कल यानी संडे के दिन इसका जो कलेक्शन निकला है उसको देखने के बाद यही लग रहा है कि ये जो मूवी है एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस में जिंदा हो चुकी है और इस मूवी ने देखा जाए दोस्तों फिर से करोड़ का आंकड़ा छू लिया है। और उसी के साथ देखा जाए इस मूवी ने हिंदी में तो तबाही मचा करके रख दी है और इस मूवी ने हिंदी में देखा जाए 150 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर डाला है। वहीं अगर हम प्रभास की बात करें दोस्तों तो प्रभास की ये 5वीं ऐसी मूवी बन गई है जिसने हिंदी वर्जन के मामले में देखा जाए 100 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस किया हो और प्रभास देखा जाए पहले ऐसे एक्टर भी बन गए हैं। और अगर हम बात करें दोस्तों तो प्रभास को अगर पेन इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बोला जाए ना तो ये अपने आप में गलत नहीं होगा। तो चलिए ऐसे में हम बात कर लेते हैं कि सलार मूवी ने 25 दिन के अंदर कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है और जो इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की इसकी वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट आ रही है वो क्या कह रही है, क्योंकि दोस्तों ये तो आपको मालूम है मेकर्स इसकी ओवरसीज की अलग रिपोर्ट बता रहे हैं और जो इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो इसकी ओवरसीज की अलग रिपोर्ट बता रहे हैं। तो ऐसे में जान लेंगे हम दोनों रिपोर्टों के बारे में। देखा जाए दोस्तों सलार मूवी ने रविवार वाले दिन फिर से 1 करोड़ की कमाई करी है और आप यकीन नहीं मानेंगे इस मूवी ने सिर्फ हिंदी से देखा जाए 70 लाख रुपए की कमाई करी है। इससे आप सोच लीजिए कि प्रभास का जादू 25वें दिन नॉर्थ इंडिया में सर चढ़ करके बोल रहा है। ऐसे में इस मूवी का जो टोटल नेट कलेक्शन है वो हो गया है 404 करोड़ रुपए और जिसमें से देखा जाए दोस्तों सिर्फ इस मूवी ने हिंदी में 151 करोड़ की कमाई करी है और तेलुगु की बात करें तो तेलुगु में इस मूवी ने 217 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है, यानी कि इन दोनों भाषाओं से ही इस मूवी ने टोटल 398 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। वहीं दोस्तों अगर हम इस मूवी के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में बात करें तो जो इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो बता रहा है 613 करोड़ रुपए। हालांकि मेकर्स की तरफ से इस मूवी के ओवरसीज की कलेक्शन की रिपोर्ट नहीं आ रही है। हाल ही में देखा जाए दोस्तों सोशल मीडिया पर इसका एक पोस्टर रिलीज करा गया था जिसमें बताया गया था कि इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड के मामले में 750 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर दिया है। हालांकि दोस्तों अगर मैं होमबल्स वालों के वेबसाइट में जाऊँ उनकी तरफ से देखा जाए मेकर्स ने अभी तक के सलार का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का पोस्टर नहीं रिलीज करा है। मुझे तो लग रहा है कि जो सलार के मेकर्स हैं वो इस समय चैन की नींद सो रहे हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है जितना इस मूवी को कमाना चाहिए था उतना इस मूवी ने कमा लिया है। और देखा जाए दोस्तों ये जो मूवी है हर जगह से ब्लॉकबस्टर हिट साबित हो गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि मेकर्स इसका कब तक पोस्टर दे सकते हैं। हालांकि दोस्तों अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो देखा जाए इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और मेकर्स के कलेक्शन में जो डिफरेंस था वो दोस्तों 103 करोड़ का हो गया था। ऐसे में अगर हम इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट 613 करोड़ आ रही है, इसमें अगर हम 103 करोड़ और प्लस जोड़ दें तो इस मूवी का मेकर जो पोस्टर देंगे वो देंगे 716 करोड़ रुपए का। हालांकि इस समय यूट्यूब से लेकर के सोशल मीडिया तक इसका 750 करोड़ ही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बताया जा रहा। ऐसे में आपकी क्या राय है कि जो इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट दे रहा वो सही है कि जो मेकर्स दे रहा वो सही है? हालांकि दोस्तों मुझे तो इतना पता है कि प्रभास की ये 5वीं ऐसी मूवी बन गई है जिसने हिंदी में 100 करोड़ की कमाई करी है और देखा जाए दोस्तों ये कारनामा अभी तक किसी भी स्टार ने नहीं किया। अगर उनको पेन इंडिया का सबसे बड़ा स्टार बोला जाए तो ये गलत बात नहीं होगी। ये अपने आप में प्रभास ने बहुत बड़ा इतिहास रच दिया है और जितना बड़ा उनका स्टारडम है ये कहना दोस्तों गलत नहीं होगा। उनकी जितनी भी मूवियाँ शायद आने वाले समय में रिलीज़ हों तो वो मूवियाँ हिंदी भाषा में तो आराम से ही 100 करोड़ का कलेक्शन क्रॉस कर जाएंगी। वैसे आपकी क्या राय है मेरी इन बातों को लेकर के कमेंट में हमें जरूर बताएं और वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।